नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ हरे मटर से बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप ये नाश्ता बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल रखते हैं 100। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 कप मटर के दाने। एक मिक्सी के जार ले लेंगे और इसमें हम मटर ट्रांसफ़र कर लेंगे। डालेंगे हम यहाँ पे 2 हरी मिर्च 2 टुकड़ा करके, साथ ही हम डालेंगे 1 इंच अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। 2 से 3 चम्मच हम पानी डालेंगे और अच्छे से हम पीस लेंगे। मटर को मैंने दरदरा पीस लिया है, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम एक बाउल में ले लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। एक चम्मच साबुत जीरा, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर। आधा चम्मच से भी कम हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप चावल का आटा डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह आप यहाँ पे रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। नमक डालेंगे स्वादानुसार, नमक डालेंगे हम स्वादानुसार। साथ ही हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। एक गाजर को मैंने यहाँ पे ग्रेट करके ले लिया है, डाल देंगे हम। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ के आलू को ग्रेट करके। ग्रेट करने के बाद मैंने अच्छे से धो लिया है। डालेंगे हम 1 नींबू का रस, अच्छे से हम एक बार मिक्स करेंगे। फिर हम डालेंगे यहाँ पे मटर का पेस्ट। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे मटर का पेस्ट। पहले हम एक बार मिक्स करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी का ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे पानी, 1/2 कप पानी लिया है, 1/2 हम अभी डाल देंगे। एक बार हम मिक्स करेंगे, बाकी पानी भी हम डाल देंगे। तो 1/2 कप पानी लिया था, 2-3 चम्मच यहाँ पे हम छोड़ देंगे। बस अच्छे से हम अब मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। एक बार और मिक्स करेंगे। तो सोडा डालने के बाद अच्छे से एक बार और मिक्स कर लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इस तरीके से हमें बैटर को उठाना है और डायरेक्ट तेल में डालते जाना है। छोटे बड़े साइज पकोड़े की आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे कर सकते हो। एक कढ़ाई में हम तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। तेल को हम पहले मीडियम गर्म कर लेंगे। तेल जैसे ही मीडियम गर्म हो जाए, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे और एक एक पकौड़ा हम इसमें डालते जाएंगे। डालते टाइम गैस का फ्लेम लो करना है, फिर हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक। एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना ही हम डालेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में एक तरफ 2 मिनट फ्राई करेंगे पहले, फिर हम साइड चेंज कर देंगे। 2 मिनट बाद एक एक करके सभी पलट देंगे हम। दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हमें पलट पलट के फ्राई करना है। 5-6 मिनट का टाइम लगेगा आपको फ्राई करने में।
5-6 मिनट बाद आप देख सकते हो अच्छे से ये फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छे से कलर चेंज हो गया है। निकाल लेंगे हम और इसी तरीके से बाकी भी हम बना के तैयार कर लेंगे। बस हाई फ्लेम में हम फ्राई नहीं करेंगे, लो मीडियम फ्लेम में हमें इसे फ्राई करना है। देखिए तो फ्रेंड्स, आज की ये नाश्ते की रेसिपी एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगी। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट ये नाश्ता बनके तैयार होता है। आप धनिया की चटनी, टमाटो केचप या चाय के साथ खा सकते हो। तो आज की रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।